हम कांग्रेस को कमजोर करने नहीं देंगे। फारूक अब्दुल्ला तो मालिक नहीं है क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, ये साबित कर देता है। एक तरफ से न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, एक तरफ से न्यूक्लियर पावर चाइना, हाँ इंडिपेंडेंट रहेंगे आप कैसे रहेंगे? हम हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं, भारत के हिस्से में हैं और भारत के साथ रहेंगे। खरगे साहब ने कहा है कि हमारा जो ये रेजोल्यूशन आया है असेंबली में उसमें 370 का इशू ही नहीं है और उस पर जो सरकार लोन हो पीडीपी हो वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रही है, कह रही है कि कांग्रेस खुलेआम ये कह रही है कि स्टेट फूड इशू है 370 उसमें मेंशन है। देखिए कांग्रेस का अपना मकसद है, कांग्रेस पे आज हमला किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो प्रधानमंत्री हो वो गृहमंत्री हो, हमें बार बार चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के ऊपर क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं महाराष्ट्र में, ये समझिए कि इससे हम कांग्रेस को कमजोर करेंगे। सर हम कांग्रेस को कमजोर करने नहीं देंगे। लेकिन जो पीडीपी और सज्जाद हो जैसे लोग सवाल करते, भाई साहब करने दीजिए, सवाल चलते जाएंगे, हमारा मंशूर लोगों के सामने है, उस मंशूर पे हम चल रहे हैं। सर चैंपियंस ट्रॉफी को पीओजे के ले जाने का एक प्लान बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसको आईसीसी ने मना कर दिया, वो ट्रॉफी को पीओजे के शहरों में ले जाना चाहते थे लेकिन आईसीसी ने उसको कैंसिल कर दिया है, किस तरह देखिए? अब मैं कैसे कह देती हूँ, वही मालिक है, वो जो करना चाहे करे, फारूक अब्दुल्ला से क्या है, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। इंडियन टीम भी नहीं जा रही है सर पाकिस्तान चैंपियंस, नहीं जाए, फारूक अब्दुल्ला तो मालिक नहीं है क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, ये साबित कर देता है कि रिश्ते ठीक नहीं। सर ऑक्सफोर्ड में एक डिबेट रखी गई जिसमें इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो डिबेट हुई जिसको कि इंडियन डायस्पोरा ने भी प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, किस तरह देखते हैं आप? ऐसे लोग हैं जो दुनिया में चाहेंगे ऐसा करना, अब किसका बयान दें हम, किसको जवाब दें? मैं तो नहीं था वहां, मुझे तो ऑक्सफोर्ड ने बुलाया नहीं था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। आजाद होना आसान नहीं है, एक तरफ से न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, एक तरफ से न्यूक्लियर पावर चाइना, हाँ इंडिपेंडेंट रहेंगे आप कैसे रहेंगे? आपकी इकोनॉमी कहाँ है? हर चीज पे आप डिपेंडेंट हैं, तो ये जो ये सोचते हैं ना इंडिपेंडेंट, और ये वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो घर की हालत नहीं जानते, गलत सोचते। हम हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं, भारत के हिस्से में हैं और भारत के साथ रहेंगे। सर आपको क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। हुजूर ये कब दूर रहा, आजकल तो स्पोर्ट्स भी पॉलिटिक्स बन गई है, स्पोर्ट्स को इंडिपेंडेंट तो रखा नहीं, जो रेस्टर्स पे जुल्म हुआ वो बीजेपी का एमपी था, उसका इंचार्ज, क्या एक्शन लिया गया उसके खिलाफ बताइए? हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, मीडिया आपका बहुत चिल्लाता है और कितना सच बयान करता है, आप भी तो गवर्नमेंट के नीचे दबे हुए हैं, आप सच्चाई तो लाते ही नहीं है। अगर आप भारत के लोगों के सामने सच्चाई लाते तो भारत के लोगों को भी पता लगता हम कहां खड़े हैं, पहले खुद सच बोलना शुरू कीजिए। आप डर गए हैं, गवर्नमेंट से डर गए हैं, उनके एजेंसी डर गए हैं, जिस दिन आप आजाद होंगे उस दिन मुझसे सवाल कीजिए। सर लेकिन पाकिस्तान जो पीओजे के में ले जा रहा है क्रिकेट को, वो भाई आपको पाकिस्तान से क्या पड़ी है? सर अब भारत की बात करिए, अब तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। सर स्टेटहुड आपको लगता है मिलेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं आप तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको लगता है? आपको कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए स्टेटहुड के बारे में, कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए आप, क्या चाहिए? कितना वक्त हुआ हुकूमत को आए, कितने हफ्ते, क्या आसमान से आपको स्टेट उड़ाना चाहिए? स्टेट उड़ाएगा, जरूर आएगा, कोई शक नहीं है मुझे। तीसरा इलेक्शन आने वाला था, लोग कहते नहीं आएगा जी, कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आया इलेक्शन, प्रोपेगेंडा किया गया,
हम हुकूमत बनाएंगे, हमारा ये होगा वो होगा, कहां गए वो? ये जो बातें होती है ना जनाब, सोच के करनी चाहिए। सर, महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में क्या उम्मीद है, क्या इंडिया एयरलाइंस जीतेगा? हमारी उम्मीद है, बाकी ऊपर वाले तक, हमारी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। सर, अमित शाह ने कहा है कि वो वक्फ बोर्ड में अमेंड करके रहेंगे चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। मालिक हिंदुस्तान है, वो जो चाहे करे, मालिक बादशाह है। सर, ये जो कटेंगे या बटेंगे, कटेंगे या मतलब कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो ये नारा लगा है, क्या मतलब इसका? मैं समझता नहीं, ये नारा क्या है, क्या मतलब इसका, क्या है नारा बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये नारा है क्या, क्या मतलब इसका? उस पे जो इंडिया अलायंस है वो बहुत ही बरहम है, वो कहते हैं कि ये कटेंगे बटेंगे का मतलब इसका क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आई ये कटेंगे बटेंगे क्या मतलब, मैं नहीं जानता, ये मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक नहीं है क्या है फिर, भारत एक नहीं है? एक बात आपसे कहूं, भारत अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, और जब तक अनेकता जो है उसको हम मजबूत करेंगे तभी भारत मजबूत रहेगा। हमें अनेकता को मजबूत करना है, भारत को मजबूत उसी से करेंगे।